Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, in this class, I am going to teach you DNA fingerprinting. Students, DNA fingerprinting is a very advanced technology which used in mostly forensic lab for capturing of. स्टूडेंट्स डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रपोज बाय डॉक्टर एलिक जेरिफर्स स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने डी एन ए को आइडेंटिफाई किया और इसको एक मार्कर की तरह यूज किया जो इनहेरेटेड डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है ठीक है ये कैसे क्योर हो पाएगा ये क्योर हो पाया डी एन एफ फिंगर प्रिंटिंग जो है वो अपने इस टेक्निक में क्या यूज़ होता है इस टेक्निक में मोस्टली शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड की रिपीटड फॉर्म होती है ये यूज़ होती है ठीक है और जो देखो ए रिपीटेड फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म है तो इसको बोल दिया टैंडम रिपीट ठीक है लेकिन हर पर्सन में ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंट होता है वेरी करता है हर पर्सन टू पर्सन तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट क्लियर स्टूडेंट्स ठीक है और ये जो वेरिएबल है ये देखो नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट सभी के अंदर सिमिलरिटी मिलती है लेकिन जीरो पॉइंट वन परसेंट हर एक के अंदर डिफरेंस मिलता है तो ये बड़ा ही स्मॉल अमाउंट है लेकिन ये डिफरेंस हर पर्सन को एक डिफरेंट आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है तो इसलिए इसको बोला गया है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वी एन टी आर क्लियर अब हम इसकी मैथडोलॉजी और टेक्निक को पढ़ते हैं ठीक है इसमें क्या होता है डीएनए को सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं ठीक है डीएनए आइसोलेशन में क्या होता है कि सेल से डीएनए को बाहर निकाला जाए एक्सट्रैक्ट किया जाए और ये बाय सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की हेल्प से होता है ठीक है जब हमें डीएनए मिल गया तो हमारे पास तो डीएनए लिमिटेड अमाउंट में होगा फिर हमें क्या करना होता है कि डीएनए की कॉपी करनी होती है ठीक है जैसे आप फोटो कॉपी करती हो इसी तरह से हमें क्या करना है डीएनए की कॉपी करनी तो जो डीएनए की कॉपी है वो होती है पोलिमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू ठीक है ये एक प्रोसेस है जो डीएनए की कॉपी करने में हेल्प करती है इसकी शॉर्ट टेक्निक शॉर्ट फॉर्म होती है पीसीआर ठीक है और जो ये मैनी कॉपीज जो प्रोड्यूस कर रहा है बहुत सारी कॉपी प्रोड्यूस हो रही है इस फॉर्म को आप क्या बोलोगे एम्प्लीफिकेशन ठीक है अब हमें डीएनए जो आइडेंटिफाई करना है उसका स्मॉल फ्रेगमेंट हम लेंगे ठीक है और अब डीएनए का स्मॉल फ्रैगनेंट चाहिए तो हमें डीएनए को कट करना पड़ेगा और डीएनए को कट हम एक एंजाइम की हेल्प से करते हैं जिस एंजाइम का नाम क्या होता है रिस्ट्रिक्शन एंडो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आर ई क्लियर अब आते हैं सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट फ्रैगमेंट जो सॉरी इससे पहले आएगा डीएनए फ्रेगमेंट को जो हमने सेपरेट किया वो एक टेक्निक के थ्रू सेपरेट करेंगे एग्रोज जेल ये एक इलेक्ट्रिकल मेथड के थ्रू हम इसको रन अप करवाते हैं जेल पर ठीक है फिर इसके बाद डीएनए क्या करते हैं विजुलाइज हमें देखना होता है विजुलाइज अंडर यूवी रेडिएशन के अंडर आप उसको देख सकते हो और उसके अंदर सूटेबल डाई डालेंगे तो वो उस डाई की हेल्प से हमें डीएनए के स्ट्रैंड आपको नज़र आएंगे ठीक है अब ये कह रहे हैं डीएनए इज़ ट्रांसफर फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट टू नाइट्रोसेलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट पर अगर आप उसको ट्रांसफ़र कर दोगे जो डीएनए आपने एक्सट्रैक्ट किया है इलेक्ट्रोफोर्सिस प्लेट से तो उसको नाइट्रोसेलोज या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन शीट पर ट्रांसफ़र कर दोगे तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं साधरन प्लॉटिंग ठीक है अब ये कह रहे हैं वेंटी आर प्रॉप्स ठीक है वेंटीआर प्रॉप्स में क्या होता है कोई एंजाइम्स कोई एक पर्टिकुलर केमिकल आइडेंटिफाई के लिए प्रॉप्स में यूज़ किया जाता है ठीक है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे क्या कर देंगे बाइंड अप करवा देंगे जिसका नाम हम क्या दे देंगे ये प्रॉप्स जो आप यूज़ कर रहे हो इसका नाम हम क्या दे, दे देंगे हाइब्रिडाइजेशन क्लियर अब कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन है, डीएनए फ्रेगमेंट आर डिटेक्टेड बाय ये जो डीएनए है जो हाइब्रिड डीएनए आपको मिला इसको आप कैसे डिटेक्ट करोगे ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू ठीक है दीज आर ऑब्जर्व एज डार्क बैंड ऑन एक्सरे फ्री ठीक है देखो डीएनए को जब आपने डी एन को जब आइडेंटिफाई किया था उसको जब आपने विजुलाइज फॉर्म किया तो आपने यूवी अंडर यू वी रेस्क के थ्रू देखा था लेकिन जब आप ऑटो रेडियोग्राफी यूज करोगे तो आपको एक्स रे फिल्म की जरूरत पड़ेगी जिससे आप डी एन ए फ्रेगमेंट को देख पाओगे क्लियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग को आ, प्रिंटिंग को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं ठीक है देखो हमें ए, एक क्राइम सीन पर ए, क्या मिला एक डी एन फ्रेग्मे, ए फ्रेगमेंट मिले डी एन ए तो क्या मतलब ब्लड सैंपल मिला ठीक है तो वहाँ से आप डी एन ए को आइडेंटिफाई करोगे जब आपने डी एन ए को आइडेंटिफाई किया तो आपके पास ये नंबर ऑफ़ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स आए ठीक है जिसको आप क्या बोल दोगे वी एन टी आर क्लियर अब वहाँ पे आपको क्या मिला क्रोमोसोम सेवन मिला क्रोमोसोम नंबर टू मिला और क्रोमोसोम नंबर सिक्सटीन मिला ठीक है जिसका इन्होंने क्या कर दिया एक सिक्वेंसिंग फॉर्म बनाई और ये डी जो एलेक्ट्रोफोर्सिस टेक्निक है उस पर आपने ये वाले बैंड आपको नजर आए क्लियर स्टूडेंट्स ठीक है फिर हमारे पास फिर दो इंडिविजुअल थे एक इंडिविजुअल ए और एक इंडिविजुअल बी जिनके ऊपर दोनों के ऊपर क्या था डाउट था ठीक है तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस आए हुए हैं ये वाले ये क्या है इनमें से एक पेरेंटल क्रोमोसोम है और एक मेटर क्रोमोसोम है क्लियर अब इनके हमने क्या किया ब्लड सैम्पलिंग ली और इनका डीएनए टेस्ट किया ठीक है हमारे पास ये वाला इनका क्या आ गया टैंडम रिपीटिंग सीक्वेंस आ गया वी एन टी आर फॉर्म आ गई ठीक है अब हमने क्या किया अब ये हमने एक इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल सिक्वेंस लिया ठीक है जहाँ हमने डीएनए जो सैंपल इंडिविजुअल ए था उसके सैंपल को कलेक्ट किया और फिर हमने बी के सैंपल को कलेक्ट किया और ये हमने हमने एम्प्लीफाई किया इसको कहाँ पे एक जेल पर कौन सा जेल एग्रोज जेल ठीक है इसके ऊपर हमने इसको रन अप किया जब हमने इसको रन अप किया तो हमारे पास ये सब क्या आ गई ये बैंड सीक्वेंस आ गई क्लियर तो हमने क्या कर दिया ये था क्राइम सेंस वाला ठीक है ये वाले डीएनए एन तो हमने क्या देखा कि जो सी है जो ये सी नंबर क्या है जो डीएनए एन हमें क्राइम सेंस सीन से मिला है वो वाले सीक्वेंस है और ये मैच किससे हो रहा है बी से तो इससे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है जो क्रिमिनल है वो कौन है बी है क्लियर स्टूडेंट अब स्टूडेंट हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एप्लीकेशंस में क्या आता है इट इज़ यूज एज टूल इन फोरेंसिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल ठीक है अब ये कह रहा है इट इज यूज टू सेटल पैटर्निटी डिस्प्यूट पैटर्निटी डिस्प्यूट्स कई जैसे पेरेंट्स का नहीं पता चलता है कि इसके मम्मी पापा कौन है तो पेरेंट्स का आइडेंटिफाई करने पे क्या ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है अब ये कह रहा है इट इज़ यूज टू डिमाइंड पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी टू स्टडी एवोल्यूशन स्टडी करने में भी ये हेल्प करते हैं थैंक यू स्टूडेंट्स आज हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया थैंक यू Nice day student.